रुको रुको, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेलकम टू अनदर वीडियो और आप देख रहे हैं डॉटेक प्रो यूट्यूब चैनल। फाइनली दोस्तों रियलमी 5 प्रो लॉन्च हो गया है और प्राइसिंग भी काफी अच्छी रखी गई है इस फोन की रियलमी वालों ने। इससे पहले फोन को खरीदो तो दोस्तों आपको कंसिडर कर लेनी चाहिए कि रियलमी के और दो दमदार फोन मार्केट में पहले से हैं जो सेम प्राइस रेंज में मिलते हैं, रियलमी 3 प्रो एंड रियलमी एक्स। तो आज करेंगे दोस्तों तीनों फोन का कंपेरिजन की कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। तो रुको रुको, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये है Realme 5 Pro। इस बार Realme ने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो Realme 5 Pro में डायमंड कट का नया वर्जन देखने को मिलता है। इसमें दो कलर देखने को मिल जाते हैं, एक है स्पार्किंग ब्लू और दूसरा वो है क्रिस्टल ग्रीन। तो दोनों कलर ग्लॉसी लगते हैं। अब साथ में Realme 3 Pro एंड Realme 5 Pro से कंपेयर करते हैं तो Realme 3 Pro में जो कलर है वो उतना प्रीमियम नहीं दिखता है जितना Realme 5 Pro में देखने को लगता है। ओवरऑल Realme 5 Pro थोड़ा महंगा सा फील दिलाता है। Realme X से कंपेयर करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। इस दोनों का कैटेगरी ही अलग है। Realme 5 Pro काफी ग्लॉसी सा दिखता है लेकिन Realme X थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ देखने को मिलता है। Realme 5 Pro वैसे साइज वगैरह में Realme 3 Pro के जैसा है लेकिन Realme 5 Pro थोड़ा सा हैवी है Realme 3 Pro के कंपेयर में। Realme X से कंपेयर करें तो Realme X थोड़ा सा बड़ा है Realme 5 Pro के कंपैरिजन में। तो Realme X थोड़ा सा पतला है और कर्व एजेस भी है तो उतना बड़ा नहीं दिखता है लेकिन Realme 5 Pro में कर्व एजेस थोड़ा कम है और थोड़ा मोटा भी है तो आपको थोड़ा हैवी फील होगा। एक प्रॉब्लम Realme 5 Pro के डिजाइन से है, यहाँ पे जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है तो जब भी उसको फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो डांस करने लगेगा। बाकी डिजाइन एंड बटन प्लेसमेंट काफी सिमिलर है Realme 3 Pro के मुकाबले में। लेकिन एक चीज, Realme 3 Pro में माइक्रो USB टाइप मिलता था लेकिन Realme 5 Pro में टाइप सी कर दिया गया है तो ये काफी अच्छी बात है। Realme X में एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे कोई एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं देखने को मिलता है जबकि Realme 3 Pro एंड Realme 5 Pro में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल डिजाइन में Realme 5 Pro Realme 3 Pro से डेफिनेटली प्रीमियम है। Realme 5 Pro एंड Realme X में आपका पर्सनल चॉइस है लेकिन Realme X थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है बट Realme 5 Pro में मिनी नॉच देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ देखें तो Realme 5 Pro एंड Realme 3 Pro में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। सेम 6.3 इंच की मिनी नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों में FHD प्लस LCD स्क्रीन देखने को मिलती है। Realme X से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर फुल व्यू 6.5 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो AMOLED एंड LCD डिस्प्ले में डिफरेंस करना कोई मतलब नहीं बनता है। LCD स्क्रीन AMOLED स्क्रीन के कलर एक्यूरेसी एंड व्यू एंगल को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। और Realme X में एक और एडवांटेज है कि इसमें कोई नॉच नहीं देखने को मिलता है तो ज्यादा अच्छा लगता है कोई कंटेंट देखने में। एक चीज सेम है तीनों फोन में, तीनों में वाइड 1L1 मिल जाता है जिसे Netflix और Prime Video HD में स्ट्रीम कर सकते हैं। अब इंटरनल स्पेक्स को देखते हैं तो Realme 3 Pro एंड Realme 5 Pro स्टार्ट होता है 4GB प्लस 64GB मॉडल से जबकि Realme X का जो बेस वेरिएंट है वो 4GB प्लस 128GB आता है। इनकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट बराबर है। अगर 128GB वाले स्टोरेज से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर सा प्राइस देखने को मिलेगा। अगर तीनों का प्रोसेसर देखे तो Realme 3 Pro एंड Realme X में तो दोस्तों सेम प्रोसेसर है Snapdragon 710 का जबकि Realme 5 Pro में Snapdragon 712 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो ओवरक्लॉक्ड है 710 का। तो यहाँ पर CPU एंड GPU परफॉर्मेंस में ही थोड़ा सा हाई जंप देखने को मिलेगा, बाद बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होगा। अगर हम स्पीड टेस्ट करके देखें तो देखते हैं कि रियल लैब में कोई स्पीड देखने को मिलता है या नहीं। यार डे टू डे लाइफ में इस स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गेमिंग लोड टाइम चेक करके देखे तो स्लाइटली एडवांटेज देखने को मिलता है Realme 5 Pro में बाद बाकी के दोनों फोन से। तो तीनों में HD एंड हाई फ्रेम रेट से गेम खेल सकते हैं तो तीनों में किसी तरह का HDR ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता है। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे तो तीनों फोन में एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। तीनों में कलर OS 6 मिलता है। Realme 5 Pro में थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर दिया गया है कलर OS को। तो पहला चेंज है वो है नोटिफिकेशन आइकन में। पहले नोटिफिकेशन आइकन स्क्वायर शेप का था, अब सर्कुलर कर दिया गया है तो कुछ स्टॉक एंड्रॉइड सा देखने को लगता है। तो छोटे छोटे चेंज किए गए हैं कलर OS 6 में। तो कलर OS 6 को काफी इम्प्रूव कर दिया गया है अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो। खैर Realme ने कंफर्म कर दिया है कि ये अपडेट Realme 3 Pro एंड Realme X में बहुत जल्दी ही पुश करने वाले हैं तो आप ऐसा नहीं है कि मिस करेंगे। अब देखते हैं बैटरी की तरफ तो Realme 3 Pro एंड Realme 5 Pro में दोनों में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। यार सबसे छोटी बैटरी Realme X में है 3700 mAh की
तो बैटरी टेस्ट ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेगा रियलमी एक्स में कम्पेयर टू रियलमी 3 प्रो एंड रियलमी 5 प्रो के, क्योंकि एमुलेट स्क्रीन का एडवांटेज इसमें देखने को मिल जाएगा। तो रियलमी 5 प्रो एंड रियलमी 3 प्रो नॉर्मल यूजेज में ऑलमोस्ट एक दिन काट सकते हो, उससे ज्यादा चलाना मुश्किल रहेगा, लेकिन रियलमी एक्स को डेढ़ दिन तक चला सकते हो नॉर्मल यूजेज पे। तीनों में वूक 3.0 का फास्ट चार्जिंग ब्रिक मिलता है, रियलमी 3 प्रो में माइक्रो यूएसबी मिलता है बट दोनों में यूएसबी टाइप सी मिलता है, तो ये रियलमी ने कुछ अच्छा किया है। तो 1 घंटा 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं ये फोन और 30 मिनट में 50% से ज्यादा चार्ज हो जाता है। तो फाइनल फीचर है वो है इसका कैमरा जो रियलमी आजकल 8x8 डाल रहा है। तो रियलमी 3 प्रो में 16 मेगापिक्सल का IMX519 का सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और रियलमी एक्स में 48 मेगापिक्सल का IMX586 का सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और रियलमी 5 प्रो में क्वाड कैमरा है। तो प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का IMX586 का सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। यहाँ पर दो चीज ऐड की है रियलमी ने, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है जिससे बहुत क्लोजअप शॉट ले सकते हैं। फ्रंट कैमरा को देखें तो रियलमी X एंड रियलमी 5 प्रो दोनों में 16 मेगापिक्सल IMX471 का सेंसर मिल जाता है, और रियलमी 3 प्रो में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। एक्चुअल कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों फोन के कैमरा बहुत ही अच्छे हैं और डे टाइम में कोई अंतर भी नहीं कर पाओगे तीनों फोन के कैमरा में, तो कैमरा क्वालिटी तीनों फोन का बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ अब आ गई है कंक्लूजन के बारे। तो जो रियलमी 3 प्रो खरीदना चाहते हैं वो रियलमी 3 प्रो मत खरीदिए, 1000 एक्स्ट्रा देके रियलमी 5 प्रो खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें कैमरा क्वालिटी इंप्रूव देखने को मिल जाता है जिससे आप क्लोजअप शॉट ले सकते हैं और इससे आप अल्ट्रा वाइड शॉट भी ले सकते हैं। बात करें रियलमी 5 प्रो एंड रियलमी एक्स की, तो अगर आपके लिए कैमरा ही सब कुछ है तो रियलमी 5 प्रो के लिए जा सकते हैं। अगर ओवरऑल गुड लुकिंग एंड स्मार्ट चॉइस करें तो रियलमी एक्स बेटर चॉइस है रियलमी 5 प्रो के ऊपर। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, सी यू सब्बा खैर, टिल नेक्स्ट वीडियो।